अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी कुलसुम। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी तबीयत का पूछा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा आपकी सारी दुआओं का। और दूसरी बात, दो चैनल जो है जो मैं आपको पता है अपनी हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, ताकि आप उनकी वीडियोस को वॉच करें, उनको सब्सक्राइब करें। एक दूसरे से शिकायत करने से बेहतर है कि हम इस काम को आगे लेके चलते रहें, वरना कुछ काम ऐसे रुक जाते हैं। तो हमने अपने इस काम को लेके चलना है। अब आपकी खुशी जिस तरीके से आप लोग करना चाहें, कोई किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप बढ़ाएंगे अपनी, खुद ही आपकी फैमिली बड़ी होती जाएगी, वरना आप लोग फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो कुछ ना होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर है। आगे चलते हैं, आपको मैं बताऊं, जिस तरह YouTube अपनी कुछ पॉलिसी देता है, कुछ गाइडलाइन देता है, कुछ चीज़ें उसकी इस तरीके की होती हैं कि वो आप अपनी वीडियोस पे अप्लाई करते हैं, सेम एज इट इज़ आपका थंबनेल भी इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है। मतलब YouTube ने आपको एक गाइडलाइन दे दी है कि आपके थंबनेल से भी रिलेटेड। ये नहीं है कि आपने जो जी चाहा आपने थंबनेल के ऊपर लगा लिया, सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के चक्कर में आप कहीं अपना चैनल ही गंवाना बैठें। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि जिस तरह यूट्यूब आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ ना कुछ गाइडलाइन देता है, तो उसी तरीके से आपको थंबनेल के ऊपर भी बहुत सारी, 4-5 उसके पॉइंट्स हैं जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। नंबर 1 पे आता है कि कोई भी ऐसी फाशी वाला या गैर अखलाकी किस्म का थंबनेल यूट्यूब आपका नहीं मानता है। देखिए, बहुत से लोग बनाते हैं, चलते रहते हैं, वो ये समझते हैं हमारी पकड़ नहीं आ रही, लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिथम जब इस तरीके की चीज़ उसकी नज़रों से गुजरती है, तो आपका चैनल डिलीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको स्ट्राइक देता है, वार्निंग देता है, लेकिन कुछ होता है कि भाई लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो कोई भी गैर अखलाकी किस्म की, कोई भी फाशी वाली चीज़ अगर आप थंबनेल के ऊपर लगाते हैं, तो आप ये ना समझें आपको यहाँ व्यूज़ मिल रहे हैं, बल्कि आप अपने चैनल को पूरे तरीके से ख़तरे में डाल रहे हैं। यहाँ पर आता है, पुरतशद्दुद किस्म की जो तस्वीर होती हैं जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे देख के, यूट्यूब इस तरह के भी थंबनेल को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये भी, और उसके साथ साथ खून खराबे वाली किस्म की, जिस तरह की ग्राफिक की जाती है, ऐसी सारी तस्वीर के ऊपर भी यूट्यूब अपनी पॉलिसी देता है और यूट्यूब ऐसे थंबनेल को भी एक्सेप्ट नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये बताते हैं, लैंग्वेज का भी ख्याल रखवाता है। ये नहीं है कि आप जिस तरह की अब्यूसेस, मतलब कि गाली गलौज, इस तरह की किसी किस्म की भी कोई गंदी बातें जो कि आप अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए करें और ये सोचें कि लोग क्लिक करेंगे, वीडियोज़ देखेंगे, वो तो देख लेंगे, देखने वाले ने तो ऐसी चीज़ें देखनी है, अट्रैक्शन होती है, आपको पता है ऐसी सारी चीज़ों में नेचर है कि अट्रैक्शन है और लोग क्लिक करेंगे, लेकिन क्या होगा, आप अपने चैनल को एक खतरे में डाल देते हैं। तो पॉलिसीज़ को आपने फॉलो करना है अगर आपने यहाँ पे अर्निंग करनी है। ये नहीं है कि आप ये समझें कि हमने ऐसी चीज़ डाल दी, उस पर व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ की लालच को देखते हुए अपने चैनल को ख़तरे में ना डालें। आप कम व्यूज़ लें, काम अच्छा करें, काम को सीख के करें, ताकि आप YouTube की गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए अपने चैनल को ग्रो कर सकें। आगे चलते हैं, थंबनेल में कुछ और वीडियो में कुछ, इन दो बातों का भी आपने भरपूर तरीके से ख्याल रखना है। ये नहीं है कि थंबनेल पे आपने डाल दी है आज मैंने बिरयानी बनाई, अंदर वीडियो में आपने भिंडियाँ बनाई, सीधी सी बात है। तो ये बातों का भी आपने भरपूर ख्याल रखना है। मतलब आपने बताना है कराची और दिखा रहे हैं आप इस्लामाबाद, तो आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है थंबनेल के ऊपर। अगर आप इन चीज़ों की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर YouTube क्या करता है, YouTube आपको वार्निंग देता है, आपको स्ट्राइक देता है, और 3 स्ट्राइक के बाद तो YouTube कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता और आपके चैनल का खुलासा हो जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है, आप काम ही नहीं कर सकते फिर। तो याद रखिएगा, थंबनेल पे भी स्ट्राइक आती है। थंबनेल के ऊपर इस तरह की सारी चीज़ों को आप अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, तो आपका चैनल ख़तरे में आ सकता है। क्योंकि जब भी मोनेटाइजेशन के, जब आपका चैनल मोनेटाइज के लिए जाता है, बात मोनेटाइजेशन की भी नहीं है, मोनेटाइज के बाद भी बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं, उनके भी चैनल चले जाते हैं, लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज के लिए जाता है, तो रिव्यू में जब आपकी चीज़ें जाती हैं, तो यूट्यूब उसमें बहुत सारी चीज़ें चेक करता है। सिर्फ आपकी वीडियोज़ ही नहीं चेक कर रहा होता, आपकी सारी चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। थंबनेल का साइज़, उसका भी यूट्यूब ने आपको प्रॉपर बता दिया, 16:9 का रेशो आपने अपने थंबनेल का रखना है। ये नहीं है छोटे बड़े हर तरह के थंबनेल आपने फिट करने शुरू कर दिए। आपको पता है फेसबुक का, यूट्यूब का, ट्विटर का, अपना इसके साथ साथ जो है टिकटॉक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना,
इन सबके अपने अपने साइज होते हैं जो कि यूट्यूब बता देता है। जब आप इसका बनाते हैं थंबनेल तो उसमें पूरा पूरा रेशो बताया जाता है, उसका साइज बताया जाता है। तो थंबनेल का भी साइज 16.9 के हिसाब से आपने रखना होता है। और उसके बाद अगर आप कस्टमाइज थंबनेल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके चैनल का वेरीफाई होना ज़रूरी है। अगर चैनल वेरीफाई नहीं है तो फिर आप अपनी पसंद का थंबनेल नहीं लगा सकते हैं। तो थंबनेल इसके लिए वेरीफिकेशन के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप, क्योंकि वेरीफिकेशन आप करवाते हैं तो आप जो हैं साथ साथ जो है लाइव भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी वीडियो ज़रा लंबी आती है, अगर 12 मिनट की होती है 13 मिनट की होती है तो वेरीफाई हुआ होता चैनल होता है तो वहाँ पे आपको मुश्किल नहीं होती है। तो आज जो था एक स्टार्टिंग का स्टेप था, मैंने कहा आपके साथ कुछ थंबनेल से रिलेटेड जो भी उसकी गाइडलाइन है, यूट्यूब ने जो पॉलिसीज़ दी हैं उसको डिस्कस करूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी और क्लासेज स्टार्ट करूँ और हम आगे बढ़ते जाएँ। दो चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, उनको जाके उनकी वीडियोस वॉच करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे का साथ दें ताकि ग्रो हो सकें, जल्द से जल्द ग्रो हो सकें। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम किसी के चैनल पे जाते हैं और उनको सब्सक्राइब करते हैं और वो हमारे चैनल पे विज़िट नहीं करते। मैं आपको बताऊँ, अगर आपको कोई सब्सक्राइब कर रहा है और फिर आप उसकी भी चैनल पर विज़िट नहीं करते तो आपको कोई मेरा यहाँ पर कोई फ़ायदा फिर नहीं होने लगा। वो फिर क्या होगा कि आपने उनको, उनके साथ आपने एक कम्युनिटी नहीं बिल्ड की, एक बॉन्डिंग नहीं बनाई। आप अगर इनिशियल काम कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किया आपने चैनल, यहाँ पे आप एक दूसरे के मोहताज हैं। शुरू में यूट्यूब आपको इतने आगे नहीं लेके जाएगा, शुरू में आपकी यही वाली मेहनत होगी आपको आगे ले जाएगी, एक दूसरे को वीडियो को वॉच करने की मेहनत, एक दूसरे को सब्सक्राइब करने की मेहनत और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को लेके ग्रो करने की मेहनत। ये सारी चीज़ें मिलके आपके चैनल को आगे बढ़ाएंगी और आप अपने चैनल को ग्रो कर सकेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ताला थंबनेल का प्रॉपर तरीके से हमने काम शुरू किया है। अब अगर क्लासेस में स्टार्ट कर रही हूँ, आज मैंने सिर्फ इसके रूल्स आपको बताए, इसकी गाइडलाइंस बताई हैं कि अगर आपने यहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो यूट्यूब आपको स्ट्राइक दे के आपके चैनल को डिलीट कर सकता है। सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इजाज़त दें, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन फी अमानिल्लाह।